Param. ओके तो चलिए स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हम चाहते हैं, राइट? तो बेसिकली हमारे एक स्टूडेंट है मिस्टर राहुल तिवारी, उन्होंने एक प्रॉब्लम जिक्र किया था। हालांकि उसकी सॉल्यूशन क्या होगा मुझे भी पता नहीं, बट मैं ट्राई करता हूँ। तो उनका कहना है कि उनकी कॉलम में एक सिटी है और सिटी में उन्होंने क्या किया हुआ है कि डेटा वैलिडेशन लगाया हुआ है लिस्ट के लिए, कॉम्बो बॉक्स के लिए। तो डेटा मेनू बार में ये आपका डेटा वैलिडेशन होता है, इस पर अगर मैं डेटा वैलिडेशन पे जाता हूँ और यहाँ से लिस्ट लेता हूँ, तो यहाँ पर आप लिस्ट डाल सकते हैं, तो वही पर्टिकुलर यहाँ पर ड्रॉप डाउन बन जाएगा, वही सिलेक्ट होगा, न्यू दिल्ली कॉमा पुणे कॉमा नोएडा। ये कहीं से उठा भी सकते हैं, यहाँ पे स्पेस क्लिक करके या किसी पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करके। अब उनके साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ से फिल तो कर लेते हैं, यहाँ अगर टाइप करने जाएंगे तो कुछ टाइप नहीं होगा जो लिस्ट में नहीं है। मतलब कि अगर आप सिलेक्ट कीजिए या टाइप कीजिए, इन चार सिटी में से कोई और टाइप न सिलेक्ट कर नहीं कर सकते आप, यही चार कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे पटना लिखा हुआ है, तो वो इसको कॉपी करके कोई इसको पेस्ट कर देता है। तो पेस्ट करने से क्या होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी जो ए है डेटा वैलिडेशन है वो रिमूव हो गया। मतलब कि आप टाइप करोगे तो नहीं हो सकता, लेकिन कोई कॉपी पेस्ट कर दिया तो आपका डेटा वैलिडेशन रिमूव हो जाएगा और आपका जो पेश करना चाहता है वो पेश कर पाएगा। क्या सलूशन क्या है इसका? तो अगर मैं इसको प्रोटेक्ट कर देता हूं, तो प्रोटेक्ट करने के बाद आखिर कॉपी तो नहीं कर पाएगा, वो कॉपी तो कर पाएगा लेकिन वो पेश नहीं कर पाएगा। और तो यहां पे एक और चीज आ गई कि अगर पेश नहीं कर पाएगा तो पाएगा। तो क्या सलूशन होना चाहिए? तो इसका एक और सॉल्यूशन है कि हम इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट सेल पे आते हैं, और फॉर्मेट सेल पे आने के बाद इसकी जो सबसे लास्ट वाली शीट होती है प्रोटेक्शन, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको अनलॉक कर देते हैं। अनलॉक करने से क्या होता है कि पासवर्ड डालने के बाद, अगर मैंने यहाँ से प्रोटेक्ट शीट कर दिया, पासवर्ड डाल दिया, तो पासवर्ड डालने के बाद भी यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, बट यहाँ लेकिन अगर मैं किसी और शीट पे अगर टाइप किया हमने और उसको कॉपी पेस्ट का किया जा सकता है। तो मैं एक बार ट्राई करता हूं, उसको कॉपी किया और मैं यहां पे पेस्ट कर रहा हूं, तो यहां देख रहे हैं कि आपका पेस्ट हो जा रहा है, बट यहां पे दिक्कत ये चीज हो रही है कि इसकी डेटा वैलिडेशन जो है रिमूव नहीं हो रही है, बट वो पेस्ट कर सकता है। तो यहां ये होगा कि आपका डेटा वैलिडेशन रिमूव तो नहीं होगा, बट आप कहीं से उठा के यहां पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जब मैं इसको अनप्रोटेक्ट करता हूं तो यहां पे एक नया फिगर आ जाता है, डेटा वैलिडेशन रिमूव नहीं हुआ बट एंट्री हो गई। तो और क्या हुआ इसका है, तो मैं इस पूरे सीट को सिलेक्ट करता हूं, फॉर्मेट सेल पे जाता हूं और यहां से हिडन कर देता हूं। तो अगर मैं यहां पे पटना किया, अब मैं यहां से पेश करता हूं, तो अब मैं इसको कॉपी करता हूं, तो आप यहां देखेंगे वैल्यू तो आ जा रही है यहां से भी और वैल्यू वहां से भी आ जा रही है। तो डेटा वैलिडेशन आपका रिमूव नहीं होगा, बट आप जो वैल्यू टाइप करना चाहते हो टाइप हो जाएगा। ऐसे नॉर्मली जो मैं कुछ टाइप करना चाहो तो टाइप, बट कॉपी पेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपने नॉर्मली अगर अनप्रोटेक्ट करने के बाद अगर आपने कॉपी पेस्ट किया तो उस पर्टिकुलर सेल से आपका डेटा वैलिडेशन रिमूव हो जाता है, बट आप यहां पे चाहते कि डेटा वैलिडेशन रिमूव ना हो तो आप अपने शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके उसको अनलॉक कर दीजिए। अनलॉक करने से क्या होगा कि पासवर्ड डालने के बाद भी उस एरिया पे हम टाइप कर सकते हैं।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ कि कॉपी पेस्ट से वैल्यू नॉट आई एंटर हो, एक्सेप्ट ना करें, तो ऐसी जो पर्सनलिटी एक्सेल में नहीं है, लेकिन हाँ वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग की मदद से हम कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी होगा और अभी आप वो समझ भी नहीं पाएंगे, तो हम वो आपको इवेंट माइक्रो वाले प्रोग्राम की जो तो क्लासेस समझाएंगे उसमें हम आपको समझा देंगे, ठीक है सर। चलिए अब अपने अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं।